नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता समेत परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप। सूत्र के अनुसार यह घटना रविवार देर रात की है। हथियारों ने घर में घुसकर सोए हुए लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कमलाकर पवनकर और उनके परिवार के 4 सदस्यों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। यहां के आराधना नगर में हुई यह घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि यह घटना रविवार देर रात की है। हथियारों ने घर में घुसकर गहरी नींद में सो रहे परिवार वालों की धारदार हथियारों से हत्या की है। घर के दूसरे कमरे में मृतक की छोटी बेटी और भांजी सो रही थी, जिससे दोनों की जान बच गई। माना जा रहा है कि दूसरे कमरे में होने की वजह से कातिलों का ध्यान उनके तरफ नहीं गया। मृतकों की पहचान कमलाकर पवनकर, उनकी पत्नी अर्चना पवनकर, माँ मीराबाई, बेटी वेदांती और भांजा कृष्ण के रूप में हुई है। दिल को दहला देने वाली यह घटना की जानकारी सोमवार को सुबह लोगों को हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फौरन सूचना दी। घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। बेडरूम से लेकर किचन और बाथरूम तक खून से सने सौ पड़े थे। नागपुर पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में हमलावरों की संख्या 2 या उससे अधिक होने की संभावना जताई है। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर सभी एंगल से जांच कर रही है।